फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। दुनिया भर में मलेरिया डे मनाया जाता है। ये दिन मच्छरों से होने वाली बीमारी मलेरिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मच्छरों से परेशान होकर लोग घरों में जहरीले मॉस्किटो कॉइल का इस्तेमाल करते हैं जो सेहत के लिए घातक होता है। लेकिन मच्छरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए आप घर में ही मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। जिस तरह सेहत के लिए नीम के अपार फायदे हैं, उसी तरह इससे मच्छरों को भी भगाया जा सकता है। इसके लिए नीम और नारियल के तेल को बराबर मात्रा में लेकर मिश्रण तैयार कर लें और इसे शरीर पर रगड़ें। इसका असर 8 घंटे तक रहता है। बराबर मात्रा में नींबू के तेल और नीलगिरी का तेल लेकर मिश्रण तैयार कर लें। अब इसे शरीर पर लगाएं। इसकी महक से मच्छर आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। लहसुन की महक से मच्छर आसपास नहीं भटकते। इसके लिए इसे पीसे और पानी में उबालकर कमरे में छिड़क दें। इससे कमरे में एक भी मच्छर नहीं दिखेगा। तुलसी के पौधे को कमरे की खिड़की या दरवाजे के पास रखने से मच्छर भाग जाते हैं। तुलसी मच्छरों को घर में प्रवेश करने से रोकती है। तुलसी के अलावा आप नींबू और गेंदे का पौधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।